टाइप्स ऑफ एरर। और पहले एक चार्ट बना लेते हैं, दैट इज द फर्स्ट वन इज द कॉन्स्टेंट कॉन्स्टेंट एरर, नंबर टू इज द सिस्टमेटिक एरर नंबर थ्री इज द रेंडम एरर, नंबर फोर इज द ग्रॉस एरर नंबर फाइव इज द एब्सोल्यूट एरर एंड नेक्स्ट वन इज द रिलेटिव एरर। देखो कॉमनली अगर आप ग्रॉस को पहले कर दे तो रेंडम से लेकर के, चलो अभी कर लेते हैं यहां पर, पहले ग्रॉस ले लेते हैं उसके बाद रेंडम बात करेंगे। रेंडम एरर और ग्रॉस एरर लगभग यहां से ये ऑपरेशनल पार्ट है और ये थ्योरी पार्ट है। थ्योरी पार्ट कहने का मतलब किन किन गलती बाय द इंस्ट्रूमेंट, बाय द पर्सन, बाय द एनवायरमेंट और मेनी फैक्टर्स वो आ रहा है, लेकिन उसके चलते हमारे रीडिंग में कैसे कैसे इफेक्ट कर रहा है, तो दैट इज व्हाई दीज आर द ऑपरेशनल एंड दीज आर द थ्योरेटिकल पार्ट। सो अभी हम लोग बात कर रहे हैं टाइप्स ऑफ एरर में, जिसमें हमने एक कंसिडर किया, छह टाइप्स ऑफ एरर को देख रहे हैं जिसमें ऑपरेशनल भी है और कॉन्सेप्चुअल भी है। अब यहां पे हम बात करें सिस्टमेटिक एरर को भी हम लोग पार्ट में देखते हैं, चार पार्ट में देखेंगे। पहला हो गया इंस्ट्रूमेंटल एरर, दूसरा हो गया पर्सनल एरर और ऑब्जर्वेशनल एरर और और थर्ड का बात कर रहे हैं, दैट इज एरर ड्यू टू एक्सटर्नल कॉज, कॉजेज। और फिर आ गए फोर्थ आपका क्या है, एरर ड्यू टू इम्परफेक्शन, तो एक सिस्टमेटिक एरर के तहत चार तरह से एरर को हम लोग देखते हैं। और अब बात कर रहे हैं ग्रॉस का भी पार्ट है, ग्रॉस का भी टाइप है। ग्रॉस एरर को हम यहां देखेंगे, ग्रॉस एरर को हम तीन भाग में देखते हैं, दैट इज द ग्रॉस एरर। ग्रॉस एरर क्या क्या है ग्रॉस एरर में, तो पहला हो गया नेग्लेक्टिंग द सोर्स ऑफ एरर, पहला पार्ट देख रहे हैं कि एरर है डिवाइस में, उसको हम ध्यान नहीं दे रहे हैं और वर्क कर रहे हैं तो हम निश्चित तौर पे हमारे रिजल्ट में भी एरर आएगा। दूसरा हो गया दैट इज इम्प्रॉपर, उसको क्या करना है रीडिंग लेने में, रीडिंग दैट इज रीडिंग द इंस्ट्रूमेंट इनकरेक्टली, रीडिंग द इंस्ट्रूमेंट इनकरेक्टली। और थर्ड हो गया दैट इज द इम्प्रॉपर रिकॉर्डिंग, तो इस तरह हम लोग एक तरह से चार्ट बना लिए कि एरर कितने तरह से हो रहा है। अब एक एक को हम लोग समझेंगे। पहला बात कॉन्स्टेंट एरर क्या है, तो
तो कांस्टेंट एरर ऐसा एरर जो बार बार आप रिजल्ट कर रहे हैं, सीरीज ऑफ रिजल्ट ऑफ द सीरीज ऑफ ऑब्जर्वेशन आर ई एरर बाय द सेम अमाउंट का एरर हो रहा है तो वो कांस्टेंट एरर कहलाएगा। अब ये मान लो हम एक एक करके बात कर रहे हैं सारे का, ठीक है, इसलिए बाकी मिटा करके एक तरीके से समझेंगे सारे को। पहला देख रहे हैं, दैट इज विद द कांस्टेंट एरर, और हमने कहा कांस्टेंट एरर क्या है, अब इसको सबसे पहले देखेंगे। कांस्टेंट एरर दैट इज द व्हेन द सीरीज रिजल्ट ऑफ व्हेन द रिजल्ट ऑफ सीरीज ऑफ रिजल्ट ऑफ सीरीज ऑफ ऑब्जर्वेशन आर एरर बाय द सेम अमाउंट आर इन एरर बाय द सेम अमाउंट तो ऐसे में इसको हम क्या कहेंगे, कांस्टेंट एरर कहेंगे। बाय द सेम अमाउंट कहने का मतलब बारंबार, अब इसका एक उदाहरण लेते हैं, क्या ले रहे हैं, मान लो कि हमने एक स्केल लिया है, सपोज करो कि इट इज ए स्केल और ये स्केल का सर्टेन डिविजन्स टूटा हुआ है, मान लेते हैं इस स्केल का सर्टेन पार्ट ब्रेकेज है और ये स्केल का सर्टेन पार्ट ब्रेकेज है और ये स्टार्ट हो रहा है सपोज करो 1 डिवीजन से, इन प्लेस ऑफ 0 इट विल स्टार्ट फ्रॉम द 1, और अगर आप इससे मेजरमेंट करेंगे तो हर बार आपका मेजरमेंट इतने डिवीजन का एरर शो करेगा, वो 0 से 1 सेंटीमीटर का अगर डिफरेंस है तो उसके रिजल्ट में बराबर सेम अमाउंट का एरर आपको मिलते रहेगा। इस तरह का कितना भी बने, इस तरह का जितना भी एरर होगा वो सभी को हम क्या कहेंगे, कांस्टेंट एरर कंसीडर करेंगे, ठीक है। तो अब ये एक उदाहरण के रूप में, एग्जांपल के रूप में हमने बताया कि व्हेन द रिजल्ट ऑफ सीरीज ऑफ ऑब्जर्वेशंस आर इन एरर बाय द सेम अमाउंट देन इट इज टर्म्ड एज कांस्टेंट एरर। अब देखो सिस्टमैटिक एरर के बारे में बात कर रहे हैं, सेकंड वन सिस्टमैटिक एरर, जो अभी हमने कहा कि ये चार भाग में है, दैट इज द इंस्ट्रूमेंटल एरर, पर्सनल एरर, एरर ड्यू टू एक्सटर्नल कॉज, और दूसरा इसके साथ और क्या हो गया, एरर ड्यू टू एक्सटर्नल कॉज के बाद दैट इज द एरर ड्यू टू इम्परफेक्शन। तो सिस्टमेटिक एरर इज द वन, कह सकते हैं आप सिस्टमेटिक एरर इज द वन That have the same sign of operation, या तो positive देगा तो हर बार positive देते जाएगा या negative भी हो सकता है, error दोनों तरह का होता है positive और error, that always produces one that always produces the error of same sign, the error of same sign। अब इसके लिए हमको कुछ डिवाइसेस को जानना भी जरूरी है, जैसे मान लो वर्नियर कैलिपर्स लिए या स्क्रू गेज लिए या अदर कोई इंस्ट्रूमेंट लिए, अब उसमें जब हम इंस्ट्रूमेंट को चेक कर रहे हैं देख रहे हैं तो वहां पर जो जीरो करेक्शन है वो नहीं है और वहां पर पॉजिटिव और निगेटिव का एरर है, तो ऐसे में एक साइन का एरर बराबर आ रहा है। अगर मान लो हम एक उदाहरण ले रहे हैं कि सपोज करो कि इट इज द एक्यूरेसी 0 एंड सम डिवाइस स्टार्ट फ्रॉम हियर दैट इज द 1, सम डिवाइस स्टार्ट फ्रॉम 1 दैट मींस देयर इज द एरर बाय दिस अमाउंट, यहां पर 0 से 1 का एरर है। अब इसको 0 करने के लिए हमको 1 को यहां अपने ऑब्जर्वेशन में ऐड करना होगा, इन द ऑब्जर्वेशन, अपने ऑब्जर्वेशन में हमको इसको करेक्शन करने के लिए +1 करना होगा।
अगर मान लो कि एरर बाय द वन एरर है लेकिन माइनस वन है, ऐसे में है तो हमको इसको जीरो में लाने के लिए क्या करना होगा, एक डिवीजन कम करना होगा, माइनस वन करना होगा इन द ऑब्जर्वेशन। तो ऐसा कई डिवाइसेस में है जो हम लोग को जानना है, मतलब जो टोटल अब आपका डिवाइस ही जीरो पे रहेगा तो ही एक्यूरेट होगा, लेकिन एक सर्टेन वैल्यू में क्या होता है, या तो वो पॉजिटिव है या निगेटिव है, तो ऐसे में वो आपके रिजल्ट में हमेशा पॉजिटिव और निगेटिव का एरर देते जाएगा जिसको आपको करेक्शन करना पड़ेगा। सिस्टमेटिक एरर वो ऐसा एरर है जिसको हम करेक्ट करते हैं, ठीक है, ये इसमें एरर को हम एलिमिनेट कर सकते हैं। जैसे अभी हमने कहा कि अगर वो पहले जा रहा है तो हम एक पॉजिटिव करेंगे तो जीरो पे आ जाएगा, और अगर जीरो से इधर जा रहा है तो हमको माइनस करना पड़ेगा अपने ऑब्जर्वेशन में तो जीरो पे आ जाएगा। इस तरह का जो एरर है दैट इज कॉल्ड सिस्टमेटिक एरर। सिस्टमेटिक एरर इज वन दैट ऑलवेज प्रोड्यूसेस द एरर ऑफ द सेम साइन। अब इसके तहत हमारे पास कौन कौन सा एरर देख रहे हैं, तो हमने कहा कि सिस्टमेटिक एरर में हम लोग क्या क्या देखे, तो पहला हो गया इंस्ट्रूमेंटल एरर। इंस्ट्रूमेंटल एरर दैट इज द इनहेरेंट एरर ऑफ द डिवाइस, इनहेरेंट एरर ऑफ ए डिवाइस इज नोन एज इंस्ट्रूमेंटल एरर। अब यहां लिख रहे हैं इंस्ट्रूमेंटल एरर, तो ये क्या है, इनहेरेंट इनहेरेंट एरर इन द ऑपरेटिंग डिवाइस या इन द डिवाइस, वो अपने पहले से ही मशीन में जो आप डिवाइस ले रहे हैं फॉर द मेजरमेंट उसमें वो एरर आ रहा है, तो ऐसे एरर को हम क्या कहेंगे, इंस्ट्रूमेंटल एरर कहेंगे। वो भी एरर को करेक्ट किया जाता है, पहले एरर करेक्शन होता है तब जाकर के हम डिवाइस को यूज करते हैं। तो ये पहला बात हो गया। दूसरा बात करें पर्सनल एरर या ऑब्जर्वेशनल एरर। देखो बेटा यहां हम लोग बात कर रहे हैं पर्सनल एरर, दैट इज द एरर जो हम यहां पे ले रहे हैं ड्यू टू द पर्सनल पिक्युलरिटीज, एरर ड्यू टू द पर्सनल और ऑब्जर्वेशनल पर्सनल पिक्युलरिटीज, दैट इज पिक्युलरिटीज, ठीक है, पर्सनल पिक्युलरिटीज के साथ है, उसका अपना एरर है। जैसे हमने कहा कि मान लो, अब इसको कैसे समझेंगे, तो मान लेते मैं मेरे पास एक मेजरिंग डिवाइस है, मेजरिंग सिलेंडर है, और इस मेजरिंग सिलेंडर पे यहां पर ध्यान दो, इस मेजरिंग सिलेंडर में जो रीडिंग लगा हुआ है वो रीडिंग आपका यहां पर लगा हुआ है, मेजरिंग सिलेंडर है और यहां रीडिंग आपको दिया हुआ है, दिस इज द रीडिंग, और इसमें अगर मान लीजिए लिक्विड भरा हुआ है यहां से यहां तक, और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि आपको इसके एकदम पैरेलल में आकर के देखना पड़ेगा तो ही आप एक्यूरेट होंगे, दैट इज द एक्यूरेसी। देखिए अगर हम ऊपर से देखते हैं ऑफ दिस डिवाइस, ठीक है, ऊपर से देखेंगे तो हमको एक डिवीजन नीचे चला जाएगा, और अगर हम नीचे से देखते हैं तो दैट इज द पिक्युलरिटीज ऑफ एरर, और वो ऊपर डिवीजन चला जाएगा तो हमारा एक्यूरेसी यहां पर नहीं रहेगा, एंड दैट इज द पर्सनल एरर। क्या करना चाहिए कि हम जब भी मेनिस्कस को देख रहे हैं तो उसके पैरेलल होकर के मेजरमेंट करेंगे तो हमको फ्रैक्शनल एरर नहीं मिलेगा, नहीं तो एक डिवीजन का फ्रैक्शनल एरर मिलेगा। तो ये बात आ गया पर्सनल एरर में। अब तीसरा हमने कहा एरर ड्यू टू एक्सटर्नल कॉज, थर्ड है एरर ड्यू टू एक्सटर्नल कॉजेस। अब एक्सटर्नल कॉजेस दैट मींस एरर ड्यू टू द नेचर, दैट इज द हाई टेम्परेचर, हाई प्रेशर, माने नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर न रहेगा तो ऐसे कंडीशन पे डिवाइस एरर दे सकता है। तो एरर बाय द एक्सटर्नल कंडीशन, ये क्या हो गया, एरर
बाय द एक्सटर्नल कंडीशंस। फॉर एग्जाम्पल में हमने क्या कहा, एक्सटर्नल कंडीशन है विंड, टेम्परेचर, प्रेशर और सम टाइम बहुत कंप्रेशन भी है, तो ये सभी एक्सटर्नल कंडीशन है जो कि क्या करता है, हमारे रीडिंग को इन्फ्लुएंस करता है, इस बात को दिमाग में रखना है। अब आ गए पर्सनल एरर की बात, एरर ड्यू टू इम्परफेक्शन, एरर ड्यू टू इम्परफेक्शन। अब एरर ड्यू टू इम्परफेक्शन में बात कर रहे हैं, तो यहां पर क्या हो गया, इम्परफेक्शन मीन्स वी हैव टू लर्न ऑल अबाउट द प्रोसेस ऑफ वर्किंग। अगर हम नहीं जान रहे हैं, या कभी कभी क्या है कि क्लाइमेटिकली हम उसको भी बदल नहीं सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लो हम किसी चीज को गर्म कर रहे हैं, तो गर्म करने में जितना फ्यूल बर्न हो रहा है, क्या उतना एनर्जी वो डिवाइस गेन कर रहा है, नहीं। Somehow the energy is lost in the form of radiation and we cannot control that radiation, loss of the energy. So that is called imperfection. देखो फिर से समझो बात को। मान लो हमने ये कंटेनर लिया, ये पॉट है, ये कंटेनर है और इसमें हम पानी को गर्म कर रहे हैं और पानी गर्म करने वक्त हम यहाँ पर बर्न कर रहे हैं फ्यूल को, और ये फ्यूल जितना बर्न हो रहा है, जितना कैलोरी यहाँ बर्न होकर के मिल रहा है, क्या उतना एनर्जी या हीट यहां पर एनर्जी ये गेन किया, तो लॉस जो एनर्जी का हो रहा है या बर्न जो हो रहा है, लॉस जो यहां पर देख रहे हैं वो किस रूप में हो रहे हैं, इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन। तो ऐसा नहीं है, दैट इज कॉल्ड इम्परफेक्शन। हमने जितना एनर्जी यहां लगाया वही एनर्जी यहां पर नहीं आया, इसका मतलब सारा एनर्जी में से कुछ एनर्जी कहां गया, तो इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन, and that is the loss. So that is the imperfection. हमने ऐसा नहीं किया है घर में भी या कहीं पर भी जिससे कि ये रेडिएशन को रोक सके। इसी तरह कई एक उदाहरण है, जैसे हम अपने वेट के बारे में बात करते हैं, तो मेरा वेट मान लो सर्टेन है, सपोज करो कि इट इज ऑफ द 70 kg, बट एक्चुअली इट इज नॉट सो। क्यों? क्योंकि बायंसी ऑफ द एयर, माने एयर प्रेशर, जो एयर का जो फोर्स पड़ रहा है, क्योंकि हम एयर के समुंदर में हैं, तो वो हमारे वेट को लाइट कर रहा है, एक्चुअल वेट वो हमको नहीं दे रहा है। तो ऐसे में दैट इज कॉल्ड इम्परफेक्शन, ठीक है। सो ये भी हमारे पास आ जाता है, एरर ड्यू टू इम्परफेक्शन, और एरर ड्यू टू इम्परफेक्शन इट कैन नॉट बी एलिमिनेटेड ड्यू टू दैट इम्परफेक्शन, माने इस एरर को हम हटा नहीं सकते हैं ड्यू टू इम्परफेक्शन, ठीक है। तो ऐसे में अभी हमने सिस्टमेटिक एरर का चारों भाग देखा, अब आ रहे हैं ग्रॉस एरर। ग्रॉस एरर में हमने तीन पार्ट किया था, वो तीन पार्ट क्या क्या है वो देखो। अभी ग्रॉस एरर में पहला है नेग्लेक्टिंग द सोर्सेज ऑफ एरर। पहले तो ग्रॉस एरर क्या है, इट इज द शियर केयरलेसनेस ऑफ द पर्सन परफॉर्मिंग द एक्सपेरिमेंट और परफॉर्मिंग द ऑब्जर्वेशन। इट इज द शेयर केयरलेसनेस। ग्रॉस के बारे में क्या बोल रहे हैं, ग्रॉस के बारे में, ग्रॉस एरर के बारे में, ठीक है। ग्रॉस एरर दैट इज, इट इज द शेयर केयरलेसनेस ऑफ द पर्सन परफॉर्मिंग द एक्सपेरिमेंट। ऐसे को हम क्या कर रहे हैं, दैट इज द ग्रॉस एरर। मतलब ये पूरे की पूरी जिम्मेवारी उस ऑब्जर्व करने वाले पर है, उस मेजरमेंट करने वाले पे है जिसने ध्यान नहीं दिया। क्या क्या बात पे ध्यान नहीं दिया, तो तीन बात आता है इसमें, दैट इज द, सबसे पहला आ गया कि नेग्लेक्टिंग द सोर्सेज ऑफ एरर। तो ऐसे में ये ग्रॉस एरर को ये एलिमिनेट नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये पर्टिकुलर के द्वारा किया जा रहा है, तो इसलिए यहां पर एरर करेक्शन नहीं है। तो अभी हम बात कर रहे हैं पहला नेग्लेक्टिंग,
neglecting the sources of error, जैसा हमने कहा कि जब हम ऑपरेशन कर रहे हैं उस समय जरूरी है कि हम इस बात का ध्यान रखें कि अगर सोर्स ऑफ एरर है तो उसको नेग्लेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। अब दूसरा बात आ गया कि नेग्लेक्टिंग द सोर्स ऑफ एरर, उसको हम नहीं देख रहे हैं, उसको एरर को पहले हटाएंगे तभी जाकर के देख सकते हैं, तभी जाकर ऑपरेशन कर सकते हैं। तो ये बात पर्सन के द्वारा हो रहा है। दूसरा आपने लिखा था दैट इज द रीडिंग द इंस्ट्रूमेंट इनकरेक्टली, रीडिंग द इंस्ट्रूमेंट इनकरेक्टली, दैट मीन्स ये दूसरा बात हो गया। अब देखो हम एक उदाहरण दे रहे हैं, मान लो एक डिवाइस आपने लिया है और उसमें एक सब डिवीजन का वैल्यू 1 से लेकर के 2 तक का वैल्यू 10 सब डिवीजन है, मान लो एक डिवीजन में 10 सब डिवीजन है, तो इसका लिस्ट काउंट 1/10 दैट इज इक्वल टू 0.1 हुआ। लेकिन अगर हम दे दे या ऑब्जर्व करने वाले के पास आया और उस डिवाइस का रीडिंग एक डिवीजन के तहत 20 है, मान लो सपोज करो यहां पर 10 सब डिवीजन था और यहां पर कितना हो गया 20 सब डिवीजन है मान लो, तो 1/20 अब ये वैल्यू इसका लिस्ट काउंट बदल जाएगा। तो ऐसे में अगर आप इंस्ट्रूमेंट को नहीं पढ़ें कि इंस्ट्रूमेंट में कितने लिस्ट काउंट के बारे में बात हो रही है तो वो आपका क्या हो जाएगा, रीडिंग बाय द इंस्ट्रूमेंट इनकरेक्टली हो गया। थर्ड ग्रॉस का तीसरा हो गया इम्प्रॉपर रिकॉर्डिंग। That means, sometime हम लोग क्या करते हैं, किसी रीडिंग को अपने दिमाग में बैठा लेते हैं और बाद में लिखेंगे ऐसा रखते हैं, तो ऐसे करने से कुछ देर के बाद वहां पर फ्रैक्शनल एरर आने लगता है और जो डिविजन है उसमें अंतर होने लगता है। तो दैट मीन्स इम्प्रॉपर रिकॉर्डिंग दैट इज द मेंटली कैरीज द रीडिंग। अगर आप मेंटली कैरी कर रहे हैं रीडिंग को तो वो हमेशा आपको रीडिंग एक्यूरेट नहीं देगा। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आपने 25.3 से लिखा है या सेंटीमीटर याद करके रखे हैं और थोड़ी देर बाद आप उसको लिखते हैं तो हो सकता है कि आप लिखने वक्त लिखेंगे कितना, तो 23.5 सेंटीमीटर लिखेंगे। सो दैट इज द इम्प्रॉपर रिकॉर्डिंग। और वो कैसे हुआ, कि आपने एट ए टाइम वर्क नहीं किया, उसको कहा कि भाई बाद में लिख लेंगे, तो ऐसे में वो आपको एरर परफॉर्म कर रहा है, ठीक है। तो आज हम इस वीडियो में अभी सिर्फ 3 पार्ट के बारे में डिस्कस किए हैं, कॉन्स्टेंट एरर, सिस्टमेटिक एरर एंड ग्रॉस एरर। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल गो थ्रू द व्हाट द रैंडम एरर, व्हाट द एब्सोल्यूट एरर, व्हाट द रिलेटिव एरर एंड हाउ इट इज द नोन एज ऑपरेशनल बिहेवियर ऑफ दिस एरर, ठीक है। थैंक यू।